हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्या दे रखा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 1 to 10 तक इक्वेशंस हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन है x² + 3 = 0। सिंपल सॉल्यूशन है x² + 3 = 0। x² = -3। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू हो गई +√-3। अभी तक हमारे पास रूट में नेगेटिव नहीं आया था, पर कॉम्प्लेक्स में रूट में नेगेटिव आ जाए तो 3 का रूट तो एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस का जो रूट होता है, माइनस का रूट होता है आयोटा। -1 का रूट होता है आयोटा, तो ये बन जाएगा √3 आयोटा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +√3 आयोटा। नेक्स्ट में क्या है, 2x² + x + 1। यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जो हम 10th में कर चुके हैं, -b + √d/2a। डी का मतलब b² - 4ac। तो ए की वैल्यू कॉफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज़ 2, बी की वैल्यू कॉफिशियंट ऑफ एक्स 1, ए की वैल्यू हो जाएगी कॉफिशियंट ऑफ x² 2, और बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज़ 1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज़ 1। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ आ जाएगा -√7, तो √7 एज इट इज़, माइनस का रूट क्या हो जाएगा, आयोटा। इसी तरह यहाँ पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 9 पुट करनी है। सेम वही फार्मूला है आपका, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ 27 आ जाए, -27 आया है रूट के अंदर, तो 27 है, तो इसको लिख सकते हैं -9 × 3। तो जो ये 9 है, ये तो रूट से बाहर होके 3 बन जाएगा, ये एज इट इज़ √3, और माइनस का रूट क्या हो जाएगा, आयोटा। तो ये बन गया 3√3 आयोटा। नेक्स्ट में ए की वैल्यू -1, बी की 1 और सी की -2। इसी तरह वैल्यू पुट करनी है और ये सॉल्यूशन आ जाएगा। फिफ्थ भी सेम मेथड से है, ए की वैल्यू 1, बी की 3 और सी की 5, -b + √b² - 4ac। तो ये बन जाएगा √11 आयोटा। नेक्स्ट में है हमारे पास, सिक्स भी सेम है, सेवन्थ में √2x² + x + √2। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज़ √2। तो b² - 4ac करेंगे तो √2 × √2 = 2, 4 × 2 = 8, 1 - 8 इज़ -7, दैट कैन बी रिटन एज √7 आयोटा। यहाँ पर क्या है, 9th क्वेश्चन में 1/√2 दे रखा है, इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1/√2, या फिर आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, √2 LCM ले लिया तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, √2x² + √2x + 1, जो पाई में √2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। बाकी वही प्रोसीजर है, b² - 4ac अंडर द रूट और √2a, यहाँ वैल्यू पुट करनी है और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन देने हैं। अब आ रही है हमारे पास मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इवैल्यूएट करना है iota^18 1/iota^25 होल का क्यूब। तो सिंपल इवैल्यूएशन है, iota^18 कैसे सॉल्व करेंगे, 4^4 = 16, तो कितना रह गया रिमाइंडर, 2, iota² आ जाएगा। इसी तरह 25 को 4 की पावर में लिखेंगे, 4^6 = 24, कितना रह गया, iota^1। तो जहाँ पर iota^4 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो बाकी क्या रह गया, यहाँ पर iota², iota² क्या होता है, -1। यहाँ डिनोमिनेटर में रह जाएगा सिंपल iota, आप इसको रेशनलाइज करना है, iota/iota। जिस तरह डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, उसी तरह डिनोमिनेटर में हम आयोटा नहीं छोड़ते इसको एज इट इज़, अगर आयोटा डिनोमिनेटर में है तो आप उसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये बन जाएगा iota/iota², iota² मीन्स -1, तो ये हो जाएगा -iota। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -iota, होल क्यूब है तो माइनस क्यूब कॉमन ले लिया, ये सिंपल 1 + iota का होल क्यूब रह गया, a³ + b³ + 3ab × a + b। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, यहाँ iota² की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये बन जाएगा -3, ये 3iota - iota हो जाएगा 2iota, बाहर माइनस था, -1 का क्यूब था माइनस, तो ये साइन चेंज कर देगा, आंसर आ जाएगा 2 - 2iota।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड वन एंड जेड टू, प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू इज इक्वल टू रियल जेड वन रियल जेड टू माइनस इमेजिनरी जेड वन इमेजिनरी जेड टू। ये शो करना आपको, जेड वन और जेड टू कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो लेट कर लिए हमने, जेड वन इज़ एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू इज़ एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अब रियल पार्ट ऑफ जेड वन क्या है, एक्स वन, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई वन। रियल पार्ट ऑफ जेड टू क्या है, एक्स टू, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई टू। अब जेड वन इंटू जेड टू निकालना है, सब जो दोनों आपके जेड वन और जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर वाई वन वाई टू, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, तो ये बन जाएगा माइनस वाई वन वाई टू। अब रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में करना है, एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, और जो इमेजनरी पार्ट हैं, ये दो इमेजनरी नंबर हैं यानी जिनके साथ आयोटा है, वो आयोटा कॉमन लेके नेक्स्ट ब्रैकेट में करना है। अब इसका रियल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी, रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू आपको फाइंड आउट करना था, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया, ये एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू। अब एक्स वन मीन्स रियल जेड वन, एक्स टू मीन्स रियल जेड टू, वाई वन मीन्स इमेजनरी ऑफ जेड वन, और वाई टू मीन्स इमेजनरी ऑफ जेड टू। तो ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, आपको यही शो करना था, रियल ऑफ जेड वन इंटू जेड टू यानी इनकी प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट होगा वो रियल जेड वन रियल जेड टू और माइनस इमेजनरी जेड वन इंटू इमेजनरी जेड टू के इक्वल होगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिड्यूस दिस इंटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, यानी बाकी सब हट जाना चाहिए, सिर्फ एक रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आना चाहिए। सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रेशलाइज करेंगे, तीन स्टेप आएंगे इसके। थर्ड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। सिंपल एलसीएम लिया, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, इसको कैलकुलेट किया, रियल के साथ रियल ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी ऐड हो जाएगा। साथ में ये मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन देनी है, न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन, ये प्लस 36 हो जाएगा, और माइनस थ्री आए 36 माइनस थ्री, ये बन जाएगा 33, और आयोटा वाला क्या है, फोर आयोटा, और यहाँ पर कितना 27 आयोटा, फोर प्लस 27 हो जाएगा 31 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज करना है, 28 माइनस 10 आयोटा का बन जाएगा 28 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, न्यूमिरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर से, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस वन, तो इस माइनस ने इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव, तो ये हो गया 884। न्यूमिरेटर में सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ आयोटा स्क्वायर है, ये माइनस 310 बना देगा, 924 माइनस 310, और ये आपका आयोटा वाला पार्ट। सिंपल जो कितना भी आपका कैंसिलेशन होता है मिनिमम फॉर्म में ला सकते हैं, उतना मिनिमाइज करना है इसको, और ये आपका सॉल्यूशन आएगा 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइडेड बाय 442। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ में क्या है, फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स माइनस आयोटा वाई की वैल्यू दे रखी है, रूट ऑफ ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी, आपको शो करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों का कंजुगेट करना है, या ये कह दें आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं जब हम कंजुगेट करते हैं, तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। कंजुगेट में क्या करते हैं, हम इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, और यहाँ माइनस आयोटा है ये बन जाएगा प्लस आयोटा, यहाँ आयोटा भी नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों। कंजुगेट क्या होता है हमारे पास, जैसे कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कंजुगेट का सिंबल है, इसका कंजुगेट निकालना है, तो हम इमेजनरी पार्ट का, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो वो बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो ए माइनस वाला बन जाएगा ए प्लस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी बन जाएगा सी प्लस आयोटा डी। अब आपको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज़ माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरह यहाँ पर आपके राइट साइड में दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी,
यहाँ पर रूट कंबाइन हो जाएगा और ये फिर फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस वन। तो उसके बाद सिंपल स्क्वायरिंग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आपको शो करना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो भी इक्वेशन है उसका कंजुगेट करना है, या ये कह दें आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, फिर आपको गिवन इक्वेशन और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते ही आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, अप्लाई करते ही रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में क्या है, कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म अभी फिलहाल आपके सिलेबस से रिमूव हो गई है, इसलिए अभी इसको नहीं कर रहे हैं। सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशन इन एक्सरसाइजेज 6 to 9। 6 to 9 में आपके सारे क्वेश्चन वही हैं जो अभी हमने 5.3 में किए हैं। आपकी सिंपल इक्वेशंस दे रखी हैं, इन इक्वेशंस में आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है, वही फॉर्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। सेम है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया यहाँ पर 3, जो 3 है वो 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 जाएगा। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 9, बी की वैल्यू -12 और सी की वैल्यू 20। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है और इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते इसका रिजल्ट आ जाएगा, माइनस था रूट में तो वो हो जाएगा आयोटा। इसको सेपरेट कर दिया, 12/18 ये बन गया 2/3, 24/18 ये बन गया 4/3। सेम यहाँ पर है, आपको एलसीएम लेना है, फिर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है फॉर्मूले में, और यहाँ था रूट एट, ए रूट के अंदर है -8, तो -8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं हम 4 into 2। तो 4 into 2 में से 4 का रूट बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, रूट 2 एज इट इज़, और माइनस का रूट क्या बन जाता है आयोटा, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ -8 टू रूट 2 आयोटा। तो ये बन गया 2√2 आयोटा, यहाँ पर 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट भी सेम है, ए की वैल्यू बी और सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाइन्थ में भी सेम है, ए की वैल्यू 21, बी की वैल्यू -28 और सी की वैल्यू 10। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a में अप्लाई किया हमने, 56 का रूट आ गया नेगेटिव में, तो माइनस का रूट अलग कर दिया, ये बन गया आपका आयोटा। तो ये 14 4 का रूट 2 बाहर आ गया, 14 एज इट इज़ रूट के अंदर, 42 है इसको सेपरेट कर दिया, 28/42 एंड 2√14/42 into आयोटा, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.3 एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर अप टू 9। थैंक यू।